बहुत समय पहले किसी जंगल में एक बूढ़ी जादूगरनी रहती थी। उस जादूगरनी के पास सफेद और काले रंग के दो जादुई चांद घर थे। वो जादूगरनी हमेशा दोनों जादुई चांद घर के इस्तेमाल से गरीब व बेसहारा लोगों की मदद करती थी। फिर कुछ दिनों बाद अचानक वो जादूगरनी बहुत बीमार पड़ जाती है। वो जादुई दोनों चांद घर के पास जाकर उनसे कहती है, लगता है अब मैं जिंदा नहीं बचूंगी। मेरे मरने का समय अब निकट आ गया है। देखो, मेरे मरने के बाद तुम दोनों इसी तरह गरीब और लाचार लोगों की मदद करते रहना। इतना कहकर जादूगरनी दम तोड़ देती है। जादूगरनी के मरने के बाद सफेद चांद को बहुत दुख होता है, लेकिन वही काला चांद खुशी से नाचने लगता है। तभी सफेद चांद बोलती है, देखो हमारी मालकिन का हुक्म याद रखना, हमें हमेशा गरीब लोगों की सहायता करनी है। सफेद चांद की बात सुनकर काला चांद कहता है, ये बुढ़िया मर गई, इस बात की मुझे बहुत खुशी है। अब मुझे किसी बात की कोई चिंता नहीं। अब से मैं लोगों को बहुत परेशान करूँगा, इसमें मुझे बहुत मजा आएगा। काला चांद की बात सुनकर सफेद चांद हैरान रह जाती है। अरे ये तुम कैसी बातें कर रही हो, ऐसा करना तुम्हें शोभा नहीं देता। मुझे सुझाव देने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, अपने काम से काम रखो। काला चांद की बात सुनकर सफेद चांद चुप हो जाती है। तभी वहाँ गांव की दो गरीब औरतें आती है और कहती है, कल रात तेज बारिश की वजह से मेरा घर टूट गया है, मुझ पर दया करके मुझे कुछ पैसे दे दो जिससे मैं अपना घर ठीक करवा सकूं। हाँ हाँ, मुझे भी पैसे दे दो ताकि हम अपना टूटा हुआ घर ठीक कर सकें, वरना हम कैसे रहेंगे, कहाँ रहेंगे। देखो बहनों, मैं तो सिर्फ अनाज प्रकट करने की शक्ति रखती हूँ, लेकिन ये काला चांद घर जितने चाहे उतने पैसे प्रकट कर सकता है। हाँ, इसने बिल्कुल सही कहा, मैं ढेर सारे पैसे प्रकट कर सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। अगर तुम लोगों को पैसे चाहिए तो मेरे सामने नाच कर दिखाना होगा। तुम दोनों में से जो औरत जीतेगी मैं उसे पैसे दूंगा। चलो अब शुरू हो जाओ। काला चांद की बात सुनकर दोनों औरतें असमंजस में पड़ जाती है, परंतु उन दोनों के पास कोई चारा भी नहीं था, इसलिए वो दोनों औरतें काला चांद को खुश करने के लिए नाचने लगती है। दोनों औरतों को नाचते देख काला चांद बहुत खुश होता है। यह सब देखकर सफेद चांद कहती है, देखो ये बहुत गलत बात है, तुम इन मासूम औरतों की मजबूरी का फायदा उठा रहे हो। चुप रहो, मैं एक बहुत बुरा चांद हूँ और मुझे ऐसे लोगों को सताकर बहुत खुशी मिलती है, इसलिए तुम अपनी बकवास बंद करो और मुझे इन औरतों के डांस का मजा लेने दो। देखते ही देखते दोनों औरतें नाचते नाचते बुरी तरह थक कर जमीन पर गिर पड़ती है। अरे तुम दोनों तो घायल होकर गिर पड़ी, मुझे बिल्कुल मजा नहीं आया, इसलिए मैं तुम दोनों को कोई पैसे नहीं दूंगा। चलो निकलो यहाँ से। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं चांद, आपने हमें नाचने के लिए कहा, हमने जी जान से नाचा, उसके बावजूद भी आप हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं। बोला ना मैंने तुम्हें, मुझे बिल्कुल मजा नहीं आया, अब जाओ यहाँ से। काला चांद के धोखा से दोनों औरतों को बहुत दुख होता है और फिर वो दोनों रोते हुए वहाँ से जाने लगती है। तभी सफेद चांद उन्हें रोकती है और कहती है, रुको तुम दोनों, मैं तुम्हें पैसे तो नहीं पर तुम ये अनाज की बोरियाँ ले जाओ, इससे तुम्हारी कुछ मदद हो जाएगी। सफेद चांद उन दोनों औरतों को अनाज की बोरियाँ दे देती है। फिर वो दोनों औरतें सफेद चांद का शुक्रिया अदा कर वहाँ से चली जाती है। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन एक बूढ़ा आदमी अपनी जवान बेटी को लेकर वहाँ आता है और काले चांद से कहता है, सुनो चांद महाराज, ट्रेन दुर्घटना में मेरी बेटी का पैर बुरी तरह घायल हो चुका है, मैं इसका ऑपरेशन करवा कर इसे ठीक करना चाहता हूँ, वरना मेरी बेटी की शादी नहीं हो पाएगी। दया करके मुझे कुछ पैसे दे दो ताकि मैं अपनी बेटी का इलाज करा सकूँ। अच्छा तुम्हें पैसा चाहिए तो ठीक है, मिल जाएंगे तुम्हें पैसे, उसके लिए तुम्हें मुझे नाच कर दिखाना होगा, इसके बाद मैं तुम्हें पैसे दूंगा। आखिर मैं भी तो देखूं इन बूढ़ी हड्डियों में कितनी जान बाकी है। मजबूरी में आकर वो बूढ़ा आदमी वहाँ नाचने लगता है, लेकिन थोड़ी ही देर में थकान के मारे वो गिरकर बेहोश हो जाता है। अपने पिता को ऐसी हालत में देखकर उसकी बेटी कहती है, पिताजी ये क्या हो गया आपको, पिताजी उठिए ना,
आपको क्या हो गया? सुन लड़की, तेरे बाप को तो बिल्कुल नाचना नहीं आता, इसलिए अब मैं तुझे पैसे नहीं दूंगा। चल अब अपने बाप को उठा और चली जा यहाँ से। तुम बहुत बुरे हो, देख लेना एक दिन तुम्हें तुम्हारे बुरे कर्मों की सजा जरूर मिलेगी। उसके बाद वो लड़की जैसे तैसे करके अपने पिता को उठाती है और वहाँ से चली जाती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन उस गांव में बहुत तेज भूकंप आता है, जिस वजह से बहुत से लोगों के घर टूटकर तहस नहस हो जाते हैं। वो सभी लोग मदद के लिए दोनों जादुई चांद घर के पास आते हैं। हमारी मदद करो, भूकंप की वजह से हमारा पूरा गांव बर्बाद हो गया। हम पर दया करो महाराज, हम पर दया करो। मुझे तुम लोगों को इस तरह रोते गिड़गिड़ाते देखकर बहुत मजा आ रहा है, इसलिए मैं तुम्हें कोई पैसे नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे लोगों को दुखी देखकर बहुत मजा आता है। तुम लोग ऐसे ही रहोगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। ऐसा मत कहिए महाराज, हम लोग बहुत मुसीबत में हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, कम से कम उनके बारे में तो सोचो। बेकार की बातें करके मेरा दिमाग मत खराब करो, वरना बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। तभी सफेद चांद बोलती है, सुनो गांव वालों, ये काला चांद बहुत बुरा है, ये कभी किसी की मदद नहीं करता। तुम सब बेकार में इससे बहस मत करो। देखो मैं तुम लोगों को पैसे तो नहीं दे सकती, लेकिन हाँ ढेर सारा पेट भरने के लिए अनाज दे सकती हूँ, जिसकी मदद से आप सभी की भूख शांत हो जाएगी। आप लोग मेरे घर के अंदर आइए और अपने लिए अनाज की बोरियाँ उठा लीजिए। ऐसा बोलकर सफेद चांद अपने घर का दरवाजा खोल देती है। फिर सभी गांव वाले सफेद चांद घर के अंदर घुसकर अनाज की बोरियां ले लेते हैं। उसके बाद सभी गांव वाले सफेद चांद को दुआ और काले चांद को बददुआ देकर चले जाते हैं। देखते ही देखते कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन उस जंगल में बहुत तेज तूफान आता है। वो तूफान इतना तेज था कि वो दोनों जादुई चांद अपनी जगह से उड़ते हुए पहाड़ की अंतिम चोटी पर आकर फंस जाते हैं। तभी वहाँ से गुजर रहे कुछ गांव वालों की नजर उन दोनों चांद पर पड़ती है। अरे भाई ये देखो, वो दोनों जादुई चांद खाई की तरफ गिरने वाले हैं, हमें उन्हें बचाना होगा। हाँ हाँ भाई तुम सही कहते हो, हमें इन्हें बचाना होगा। इतना बोलकर कुछ गांव वाले उन दोनों चांद को बचाने पहाड़ की चोटी पर पहुंच जाते हैं। देखो ये सफेद चांद बहुत अच्छी है, ये हमेशा दूसरों की मदद करती है, इसलिए हम सिर्फ इसे ही बचाएंगे। इसके बाद वो सभी लोग सफेद चांद को रस्सी से खींचते हुए सुरक्षित जगह पर ले आते हैं। ये देखकर काला चांद कहता है, अरे तुम लोगों ने उसको तो बचा लिया, अब मुझे भी तो बचाओ वरना मैं खाई में गिर जाऊंगा। काला चांद की बात सुनकर गांव वाले कहते हैं, तू बहुत ही दुष्ट और बुरा चांद है, तूने कभी हम जैसे गरीबों की मदद नहीं की, तूने हमेशा हमारी गरीबी का फायदा उठाया है, इसलिए हम तुझे नहीं बचाने वाले। इसके बाद वो गांव वाले मिलकर धक्का देकर काले चांद को खाई में गिरा देते हैं। अरे अरे ये क्या कर रहे हो तुम लोग, कृपया कर ऐसा मत करो। गांव वाले काला चांद की एक नहीं सुनते और उसे धक्का दे देते हैं। अरे मर गया रे, कोई बचाओ मुझे। खाई में गिरती ही काले चांद के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। इस तरह उस दुष्ट चांद का अंत हो जाता है और उस दिन के बाद से उस गांव में इकलौती सफेद चांद रह जाती है, जो हमेशा से लोगों को भरपूर मात्रा में अनाज देती है और लोगों को खुश रखने की कोशिश करती है। दिशा बचपन से ही अपनी बुआ रागिनी के साथ रहती थी। रागिनी की खुद की एक बेटी भी थी जिसका नाम लावण्या था। रागिनी का पति दिशा को प्यार करता था, जिसकी वजह से रागिनी को भी प्यार दिखाने का नाटक करना पड़ता था। लेकिन कुछ महीनों पहले रागिनी के पति की मौत सड़क दुर्घटना में हो जाती है, जिसके बाद से रागिनी दिशा को तंग करना शुरू कर देती है। दिशा दिखने में बहुत काली थी और लावण्या बहुत खूबसूरत थी। रागिनी और लावण्या दोनों मिलकर दिशा को परेशान करते थे। रागिनी लावण्या को हर रोज पैसे दिया करती थी, जिससे लावण्या अपने दोस्तों के साथ पार्टी करती थी। वहीं दूसरी तरफ दिशा घर का सारा काम करती थी। एक दिन रागिनी लावण्या के कमरे में जाती है और उससे कहती है, लावण्या मैं मार्केट जा रही हूँ, तू भी चलेगी क्या? नहीं मम्मी मैं नहीं जाऊंगी। अरे तूने ही तो बोला था कि तुझे मेकअप का सामान चाहिए, फिर अचानक अब क्यों मार्केट जाने से मना कर रही है? लावण्या ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है और बोलती है,
मेरी प्यारी मम्मी, ये तो मैं भूल ही गई थी। हाँ हाँ, मैं जरूर जाऊंगी। मुझे बहुत सारे ब्रांडेड मेकअप का सामान खरीदना है। चल चल, जल्दी चलते हैं। मुझे भी अपने लिए कुछ साड़ियाँ लेनी है। तुझे भी मेकअप के साथ साथ कुछ कपड़े चाहिए होंगे तो ले लियो। चल दिशा को भी बुला ले। दरअसल मुझे कुछ सब्जियाँ और फल खरीदना है, तो पहले सब्जियाँ और फल खरीद कर दिशा को पकड़वा दूंगी, वो घर लेकर आ जाएगी। तभी लावण्या दिशा को बुलाने लगती है। दिशा, जल्दी आ जा, मम्मी के साथ मार्केट जाना है। थोड़ी देर बाद दिशा आती है और उसके बाद तीनों मार्केट जाते हैं। रागिनी बहुत सारी सब्जियां और फल खरीद लेती है और दिशा से बोलती है, दिशा मुझे और लावण्या को कपड़े और मेकअप की शॉपिंग करनी है, इसलिए सब्जियां और फल लेकर तो घर चली जा, और हाँ, घर जाकर रात का खाना बना लियो। दिशा उदास हो जाती है और रागिनी से कहती है, बुआ जी मुझे भी नए कपड़े चाहिए, इतने साल हो गए हैं और आपने मुझे एक भी नया कपड़ा नहीं दिलवाया है। अच्छा ठीक है, तेरे लिए भी मैं एक कपड़ा ले आऊंगी, और अब तो घर जा वरना खाना बनने में लेट हो जाएगा। दिशा खुश हो जाती है और सब्जी फल लेकर घर आ जाती है। दोनों माँ बेटी शोरूम में जाकर कपड़े और मेकअप का सामान खरीदने लगती है और थोड़ी देर बाद शॉपिंग करके घर वापस आ जाती है। तभी दिशा किचन से बाहर निकलती है और रागिनी से कहती है, बुआ आप आ गए बाजार से, अब मुझे मेरी नई ड्रेस दिखाओ। मेरे पास पैसे खत्म हो गए थे, इसलिए मैंने तेरे लिए कुछ नहीं लिया है। लेकिन ये गलत बात है, आपने मुझे कहा था कि आप मेरे लिए ड्रेस लेकर आओगी। वैसे भी लावण्या को आपने इतना सारा मेकअप का सामान और इतने सारे कपड़े दिलाए, लेकिन मेरे लिए एक कपड़े के लिए भी आपके पास पैसे नहीं बचे। ज्यादा मुंह मत चला, चुपचाप जाकर खाना बना। तुझे कौन सा कहीं बाहर जाना होता है, शक्ल देखी अपने काली बिल्ली जैसी। दिशा रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। उस दिन रात को दिशा बिना कुछ खाए पिए सो जाती है। इसी तरह कुछ दिन और बीत जाते हैं और दिशा की तबीयत खराब हो जाती है, जिस वजह से दिशा सुबह सुबह अपने बिस्तर से नहीं उठ पाती है। थोड़ी देर बाद रागिनी गुस्से से दिशा के कमरे में आती है और ताने मारते हुए बोलती है, महारानी विक्टोरिया अभी तक सो रही है। महारानी विक्टोरिया, आपने बताया नहीं कि नाश्ते में आपको क्या चाहिए। बुआ जी, आज मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब लग रही है, जिस वजह से मुझे बिस्तर से उठा तक नहीं जा रहा है। आजकल मैं देख रही हूँ तू बहुत बहाने देने लगी है, जल्दी से उठ जा वरना आज मेरा हाथ उठ जाएगा तेरे पर। अभी तक घर का सारा काम पड़ा हुआ है और महारानी विक्टोरिया यहाँ आराम कर रही है। दिशा जैसे तैसे करके उठती है और घर का काम करना शुरू कर देती है। दिशा झाड़ू लगा रही होती है, तभी रागिनी उसके पास आती है और बोलती है, झाड़ू लगाने के बाद मार्केट से सब्जी लेकर आ जाइयो, क्योंकि अभी के खाने के लिए सब्जी नहीं है। थोड़ी देर बाद दिशा सब्जी लेने बाजार चली जाती है। तभी रास्ते में अचानक दिशा चक्कर खाकर जमीन पर बेहोश हो जाती है। तभी वहाँ से एक लड़की गुजर रही होती है और वो दिशा को बेहोश देखकर उस पर पानी छिड़कने लगती है। ऐसा करने से दिशा को होश आ जाता है। तभी वो लड़की दिशा से पूछती है, क्या हुआ, तुम्हें तो बहुत जोर से बुखार है, इसलिए तुम्हें तो घर में आराम करना चाहिए। उस लड़की की ये बात सुनकर दिशा रोने लगती है और बोलती है, हाँ मुझे बहुत जोर से बुखार है, लेकिन फिर भी मैं सारा काम कर रही हूँ, क्योंकि मेरी बुआ जी को ये सब बहाने लगते हैं। उन्होंने मुझे धमकी दी थी, अगर मैं काम नहीं करूँगी तो वो मेरी बहुत पिटाई करेंगी, इसलिए ना चाहते हुए भी मुझे सारे काम करने पड़ रहे हैं। मैं बचपन से ही अपनी बुआ के साथ रहती हूँ, लेकिन फिर भी बुआ लावण्या के जितना प्यार करना तो दूर की बात है, मुझे उसका एक चौथाई प्यार भी नहीं करती है। मेरी बुआ और लावण्या दिन में 10 बार मुझे काली बिल्ली बोलकर मेरा मजाक बनाती है। मुझे ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी चुपचाप मैं सब सहती रहती हूँ। ये तो बहुत गलत बात है, तुम बचपन से ही उसके साथ रहती हो, फिर भी तुम्हारे लिए उसके मन में प्यार नहीं जगा। लेकिन तुम परेशान मत हो, क्योंकि आज के बाद सब कुछ ठीक होने वाला है। मेरे पास एक ऐसा मस्कारा है जिसे लगाने के बाद तुम खूबसूरत हो जाओगी। भला ऐसा भी कोई मस्कारा होता है क्या, लेकिन आप मेरे लिए ये सब क्यों कर रही हो। दिशा के इतना कहने के बाद वो लड़की एक परी के रूप में बदल जाती है। मैं कोई साधारण लड़की नहीं, बल्कि रानी परी हूँ। मैं तो यूं ही महीने में एक बार साधारण लड़की का रूप लेकर पृथ्वी लोक पर आती हूँ, और जो मुझे सच्चा ईमानदार नजर आता है मैं उसकी मदद भी करती हूँ। अच्छा, लेकिन आप मेरी मदद कैसे करेंगी। अब तुम देखना मेरा कमाल। इतना बोलकर रानी परी अपनी जादुई छड़ी घुमाती है और वहाँ दो मस्कारा प्रकट कर देती है।
ये दो जादुई मश्कारा है। ये पहला वाला मश्कारा लगाकर तुम दिखने में खूबसूरत हो जाओगी और इस दूसरे वाले मश्कारे की मदद से मैं तुम्हारी बुआ और उसकी बेटी को सबक सिखाऊंगी। दिशा पहला वाला मश्कारा लगाने लगती है तभी रानी परी उसे कहती है, रुक जाओ अभी मश्कारा मत लगाओ, पहले मैं तुम्हारी बुआ को सबक सिखा दूंगी उसके बाद लगाना। अभी तुम सबसे पहले अंदर अपनी बुआ के सामने जाओ। थोड़ी देर बाद रानी परी दूसरा वाला मश्कारा खुद लगाती है और चुड़ैल का रूप धारण कर लेती है। अरे रानी परी, ये कैसा मश्कारा है जिसने आपको चुड़ैल बना दिया है? तुम डरो मत, अब तुम अपनी बुआ के सामने जाओ, फिर देखना मैं क्या करती हूँ। रानी परी की बात मानकर दिशा रागिनी के पास जाती है। रागिनी गुस्से से दिशा को कहती है, कहाँ मर गई थी अभी तक, मुझे और लावण्य को भूख लग रही है। अरे मम्मी देखो तो, आपने इसे सब्जी लाने के लिए भेजा था और ये सब्जी लेकर ही नहीं आई है। तू सब्जी लेकर क्यों नहीं आई? आज तो मेरे से बहुत पिटने वाली है, तेरी अकल ठिकाने लाना बहुत जरूरी हो गया है। तभी चुड़ैल के रूप में बनी हुई रानी परी वहाँ आ जाती है। रागिनी और लावण्य उसे देखकर बुरी तरह डर जाती हैं। मम्मी भागो भागो यहाँ से भागो, देखो चुड़ैल, अगर हम कुछ सेकंड यहाँ और रुके तो ये हमें मारकर खा जाएगी। तूने सही कहा, आज मैं तुम दोनों को मारकर खा जाऊंगी। इतना बोलकर चुड़ैल दोनों माँ बेटी को चाटे ही चाटे मारने लगती है। चुड़ैल बहुत देर तक दोनों माँ बेटी को चाटे मारती है। बोल, आज के बाद कभी भी दिशा को तंग करेगी? अगर तूने दिशा को फिर से तंग किया तो मैं सच में तुम दोनों को मार कर खा जाऊंगी। नहीं नहीं, हमें माफ कर दू, आज के बाद हम दोनों कभी भी उसे तंग नहीं करेंगे। तूने माफ़ी मांगी है इसलिए अभी तुझे छोड़ रही हूँ। और हाँ, घर का काम खुद कर, सारा काम दिशा पर छोड़ देती है आलसी औरत। मैं कभी कभी यहाँ पर दिशा को देखने आऊँगी, इसलिए ज्यादा चलाकी दिखाने की कोशिश मत करियो। इतना बोलकर चुड़ैल बनी हुई रानी परी वहाँ से चली जाती है। उसके बाद दिशा अपने कमरे में जाती है और पहला वाला मस्कारा लगाकर परियों की तरह खूबसूरत हो जाती है। उस दिन से लावण्य और रागिनी दिशा के साथ बहुत प्यार से रहने लगते हैं। इस तरह दिशा के जीवन में सब कुछ ठीक हो जाता है और वो अपने परिवार के साथ हंसी खुशी जीवन व्यतीत करने लगते हैं। किसी गांव में दो पड़ोसन रहती थी। उनमें से एक पड़ोसन का नाम था आरती। वो लोग बहुत अमीर थे। आरती का एक बेटा भी था जिसका नाम विशाल था। आरती का पति बहुत पैसे कमाता था और दूसरी पड़ोसन का नाम था रंजना, जो बहुत ही गरीब थी और साथ ही वो विधवा थी। उसका एक लड़का भी था छोटू। रंजना अपने बेटे को पालने के लिए गांव में लोगों के घरों में काम करती थी। विशाल और छोटू एक साथ खेला करते थे। चल छोटू, अब कल खेलेंगे। मैं अपनी मम्मी के साथ बाजार जा रहा हूँ और मैं रास्ते में आइसक्रीम खाऊंगा। सच में? वाओ, चल अब मैं जा रहा हूँ, नहीं तो मम्मी डांटेगी। इतना कहकर विशाल वहाँ से चला गया। लेकिन अब छोटू का भी आइसक्रीम खाने का बहुत मन कर रहा था। उसने कभी भी आइसक्रीम नहीं खाई थी, बस दूसरे बच्चों को खाता हुआ देखता था। छोटू अपने घर लौटा। छोटू बहुत उदास था, इसलिए उसकी माँ कहती है, क्या हुआ छोटू, तेरा मुँह क्यों लटका हुआ है? माँ, मुझे भी आइसक्रीम खानी है, आज विशाल की मम्मी उसको आइसक्रीम खिलाने ले गई है। लेकिन बेटा, तू तो समझदार है, तुझे पता है ना कि हमारा एक वक्त का खाना भी कितना मुश्किल से बन पाता है। कोई बात नहीं माँ, चलिए छोड़िए, ये बताइए आपने खाना क्या बनाया है? तेरे पसंदीदा दाल चावल, तू खाना खा, मैं काम करके आती हूँ। ठीक है। रंजना का ध्यान छोटू के उतरे हुए चेहरे पर था। वो रास्ते भर छोटू के बारे में सोचती रही, काश मैं थोड़े और पैसे कमा लेती तो मैं अपने बेटे को आइसक्रीम खिला सकती। हे भगवान, कुछ तो मदद करो। लेकिन आज रंजना की बात वृक्षदेव ने सुन ली और उसके सामने प्रकट हो गए। बेटी, मैं तेरी दुविधा समझ सकता हूँ। तुम अपने बेटे की आइसक्रीम खाने की इच्छा पूरी करना चाहती हो, मैं इसमें तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। प्रभु, सच में आप मेरी मदद करेंगे? आज मेरा बेटा आइसक्रीम खाएगा? हाँ, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। इतना कहकर वृक्षदेव अपने जादू से कुछ बीज रंजना को देते हैं। बेटी, इन बीजों को अपने आंगन में बो दो और अगले दिन इनमें से जो पौधे आएंगे उनमें आइसक्रीम उगी होगी। आइसक्रीम के पौधे? सच में? हाँ बेटी। इसके बाद रंजना वृक्ष देवता का आशीर्वाद लेकर वहाँ से चली जाती है।
घर पहुंचकर रंजना अपने आंगन में वो बीज बो देती है। माँ आप क्या कर रही हो? बेटा मैं आइसक्रीम उगाने के लिए बीज बो रही हूँ। सच में माँ आइसक्रीम के बीज? हाँ बेटा, मुझे ये बीज वृक्ष देवता ने दिए हैं और इन बीजों में से जो पेड़ उगेंगे उनमें से आइसक्रीम आएगी। माँ ऐसे तो हम आइसक्रीम बेच भी पाएंगे और खा भी पाएंगे। इस बारे में मैंने तो सोचा ही नहीं। तुम सही कह रही हो बेटा, हम ज्यादा आइसक्रीम उगाएंगे और बेचेंगे और ढेर सारे पैसे कमाएंगे और मुझे घरों में भी काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। छोटू अब तुम इन बीजों में पानी डाल दो। इसके बाद छोटू उन बीजों में पानी डाल देता है। तभी छोटू कहता है, मम्मी आपका काम पर जाने का समय हो गया है। नहीं बेटा, आज मैं काम पर नहीं जा रही। अब तो हमारी खुद की आइसक्रीम की खेती होगी तो मैं दूसरों के यहाँ काम करने क्यों जाऊँ। रंजना को बहुत उम्मीद थी कि अगले दिन उन बीजों में से आइसक्रीम जरूर उगेंगी। इसी विचार से वो अपने काम पर भी नहीं गई। उसके मन में पैसों का लालच आ रहा था। खुशी के मारे रात में उसको नींद भी नहीं आ रही थी। वो सोच में डूबी हुई थी कि एक आइसक्रीम कितने में बेचेगी। वैसे तो 5 रुपए की एक आइसक्रीम मिलती है, अगर मैं वो आइसक्रीम 10 में बेचूं तो। सुबह हो गई। रंजना दौड़ते हुए घर के आंगन में आई और उसने अपने आंगन में लगाए हुए बीज देखे, लेकिन वहाँ पर अभी कुछ भी नहीं उगा था। अरे ये क्या, वृक्ष देव ने तो कहा था कि बीज को लगाने के अगले दिन ही आइसक्रीम उग जाएंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। रंजना मायूस हो गई। छोटू भी घर के बाहर आया और उसने वो सब देखा तो उसका भी मुंह लटक गया। छोटू का मुंह लटका देख रंजना छोटू को अपने साथ देवता के पास ले जाती है और तेज तेज पुकारती है, वृक्षदेव, ओ वृक्षदेव। वृक्षदेव प्रकट हुए। हाँ बेटी बोलो, क्या बात है, तुम इतनी क्रोधित क्यों हो? उसके बाद रंजना वृक्ष देवता को सारी बात बताती है। बेटी तुमने उन बीजों को कैसे उगाया था? मैंने अपने आंगन में उन बीजों को लगाकर ऊपर से पानी डाल दिया और आपके कहे अनुसार अगले दिन का इंतजार किया, लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं हुआ। कोई नहीं, मैं तुम्हें दूसरे बीज दे देता हूँ। रंजना वृक्ष देवता से दूसरे बीज लेकर घर की ओर चल पड़ी। उसने फिर से वैसा ही किया जैसा वृक्ष देवता ने उसको बोला था, लेकिन अगले सुबह बिल्कुल वैसा ही हुआ। बीजों में अभी भी कोई आइसक्रीम नहीं उगी थी। अब वो और भी क्रोधित हो चुकी थी। वो दोबारा वृक्ष देवता के पास जाती है और वहाँ पर रोते चिल्लाते हुए वृक्ष देवता को पुकारती है। वृक्ष देव, आप मेरी गरीबी का इतना मजाक उड़ाओगे, मैंने सोचा नहीं था आपसे, मुझे ये उम्मीद नहीं थी। बेटी मैंने तुम्हारे साथ कोई मजाक नहीं किया, मैंने तुम्हारी मदद करने के लिए तुम्हें वो जादुई बीज दिए थे क्योंकि तुम अपने बेटे को आइसक्रीम खिलाना चाहती थी। आपके दिए हुए बीज बोकर मैंने कितने सारे सपने देखे थे कि उन पर बहुत सारी आइसक्रीम उगेंगी और मैं आइसक्रीम बेचकर पैसे कमाऊंगी और अमीर बन जाऊंगी, मुझे लोगों के घर में काम करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तुमसे यही गलती हुई है बेटी। क्या मतलब? मैंने वो बीज सिर्फ तुम्हारे बेटे की इच्छा पूरी करने के लिए दिए थे, लेकिन तुम्हारे मन में लालच पनप गया, तुम तो आइसक्रीम बेचकर पैसे कमाने की सोचने लगी। वो जादुई बीज इसलिए नहीं उगे क्योंकि तुम्हारे विचार बदल गए। तुमने मुझसे अपने बेटे की इच्छा पूरी करने के लिए वो बीज मांगे थे, लेकिन तुम आइसक्रीम बेचने के लालच में आ गई। अगर तुम अपने बेटे की इच्छा पूरी करने के लिए वो बीज उगाती तो वो बीज उग जाते। रंजना को अपनी गलती समझ आ गई। इस बार वृक्ष देवता ने उसको फिर से बीज दिए और बोले, इस बार तुम सिर्फ अपने बेटे की इच्छा पूरी करने के लिए ही इस बीज को लगाना और बिल्कुल भी लालच मत करना। रंजना वो बीज लेकर घर पहुंची, उसने बीज बो दिए। अब उसके दिमाग में कोई लालच नहीं था, वो बस अपने बेटे को आइसक्रीम खाते देखना चाहती थी। अगले सुबह छोटू घर के बाहर उठकर जाता है। माँ जल्दी इधर आओ, देखो आइसक्रीम उग गई। रंजना भी आंगन में आती है और बहुत सारी आइसक्रीम उगी देख बहुत खुश होती है। रंजना देखती है कि उसके घर के बाहर बहुत सारे गरीब बच्चे खड़े हुए हैं। बच्चों तुम यहाँ से आइसक्रीम तोड़ सकते हो। गरीब बच्चों ने और साथ में छोटू ने भी आइसक्रीम तोड़ ली और बहुत ही शौक से खाने लगे। सभी बच्चों के चेहरे पर संतुष्टि देखकर रंजना को अपनी गलती का एहसास हो गया।
आइसक्रीम बेचकर तो सिर्फ पैसे मिलते, लेकिन आज इन बच्चों के चेहरे पर खुशी देखकर बहुत अमीर महसूस कर रही हूँ। और वृक्षदेव, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे लालची बनने से बचा लिया। इतना कहकर रंजना ने भी आइसक्रीम तोड़ ली और शौक से खाने लगी। उस दिन के बाद से रंजना सभी बच्चों को मुफ्त में आइसक्रीम खिला दिया करती थी। कड़ी गर्मी के मौसम में आइसक्रीम सभी लोगों को बहुत संतुष्टि दे रही थी। आज वो भले ही गरीब रह गई, लेकिन आज वो मन से बहुत अमीर हो चुकी थी। वो खुशियाँ बांटना सीख चुकी थी।